ये मुद्दा जो ये आज का आयोग जो अरुणाचल यूथ्स अगेंस्ट किरण रिजिजू, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसको बनाने का वजह क्या है, मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रजनों, मेरा एक ही कहना मानना, 2024 में किरण जी को वोट नहीं मारना। और क्यों नहीं मारना, इसका विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वक्त जाया के मैं आप सभी को ये कह दूं कि हमारा माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है हमारा जैसा छोटा मोटा अरुणाचल राज्य जैसा स्टेट के लिए, और कहता है कि राज्य का जो करप्शन मैटर है वो राज का मामला है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व करना है, और कहता है कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसे देश के लिए काम करना है। तो बता दूं मेरे भाइयों, जब भी हम लोग का स्टेट में कल्चरल प्रोग्राम होता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, सलमान खान आता है, तो किरण रिजिजू के पास वक्त ही वक्त है, पहुंच जाते हैं चीफ गेस्ट बम के, पहुंच जाते हैं सलमान खान को वेलकम करने। इस तरीका से कैसा चलेगा आप बताइए, फिर छोड़ दीजिए इस बात को। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली से हमारा राज्य अरुणाचल का डिस्टेंस है 2460 किलोमीटर, बाय रोड उसको ट्रैवलिंग करने से 49 आवर्स का समय लगता है ईटानगर पहुंचने के लिए। और हमारा माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी का मीटिंग के लिए दो बार तीन बार लेके आता है, उसके बाद में और भी बड़ा बड़ा नेता को लेके आता है। लेकिन किरण जी, आपको पता है, चार महीना पांच महीना से हमारा एसीसी टीम लोग वहां में भूखा प्यास में परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के, अपना जिम्मेदारी छोड़ के वहां में संघर्ष कर रहा है सबूत के साथ में, जबकि जंतर मंत्र से पार्लियामेंट का दूरी 506 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर सिर्फ है, वो भी एक मिनट का रास्ता में। तो मैं अपने किरण जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जंतर मंत्र में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं ले गया, अमित शाह को क्यों नहीं ले गया, आप बताइए माननीय किरण जी, क्या हम इसे आपका मूर्खता समझे, या हम इसे आपका खैरता समझे, या तो हम कहे कि माफ करना कहना पड़ रहा है कि भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ऑफिसरों के समर्थन में समझ आपका, मुझे तो पता नहीं। अरुणाचल का जनता, आप बताइए किरण जी किसके तरफ में है। इस बात को छोड़ के और एक बड़ा बात कहने से काम को कर सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षकजनों। किरण जी ने खुले आबाम में मीडिया में कहा था कि अगर कोई भी करप्शन सबूत, कोई भी किसी का ऊपर भी नेता हो चाहे अफसर हो, अगर उसके पास में सबूत लाएगा तो वो एक्शन लेगा बोला था, हाँ मीडिया में। तो हमारा एसीसी टीम गया, उनके पास 100% वैलिड सबूत है, वो गया दिल्ली में, मिला सबूत दिखाया, फिर किरण जी अपना बयान बदलता है, कहता है कि इसका फैसला न्यायालय करेगा। अरे हमें भी पता है कि हर आखिरी और अंतिम फैसला न्यायालय ही करता है, पर मैं आपको यह पूछूं किरण जी, क्या आपने एसआईसी को, एसआईटी को, विजिलेंस टीम को, सीबीआई को, आप एक देश का मंत्री है, आप प्रेशर दे सकता था, आप दिया नहीं दिया? और पब्लिक को गुमराह मत कीजिए कि न्यायालय ही सब कुछ करेगा। आप पूरा इंडिया मालूम है, पूरा देश मालूम है कि जो गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट का अधिकारी उसी को मानता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है। इसके बाद में मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब भी कोई एक्शन, अगर कोई करप्शन चार्जशीट किसी नेता पार्टी, उन लोगों का पार्टी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कोई चार्जशीट बनाए, कोई केस करे, तो एक्शन लिया नहीं जाता, चार्जशीट बनता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलता नहीं है, तारीख पे तारीख, सनी देओल का एक फिल्म है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा कैसा चलेगा? इस तरीका से तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं बता दूं, अगर वही ऑफिसरों के खिलाफ ऐसा करे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का विरोध में कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर आवाज उठाए तो रातों रात एक्शन लिया जाता है, पुलिस सुपरमैन बन जाता है, सुपरमैन से भी स्पीड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में सोल दो को रातों रात उठा दिया, तना पोल, सॉरी ताव पोल, तना तमर, सबका अगेंस्ट में एक्शन लेता है अगर गवर्नमेंट का विरोध हो तो। इस तरीका से तो ठीक नहीं है ये चीज। जो
और मैं ये जानता हूं कि आज ये संगठन बनाने का, ये अरुणाचल यूथ अगेंस्ट किरण रिजिजू फॉर्मेशन करने के लिए मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिससे पंगा लिया है वो एक देश का मंत्री है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका और मेरा कंपेरिजन ही नहीं है। वो मुझसे दमबान है, वो मुझसे बलवान है और उसके पास हर क्षेत्र का पावर है। फिर भी मैं बता दूं मेरे भाइयों, मुझे किसी चीज का भय नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, ना मुझे किसी चीज की फिक्र है, क्योंकि मैंने अपने सिर पे कफन बांध लिया है। और मैं ये बता दूं आप लोगों को, वो नौजवान ही क्या जो अपनी जवानी में अपने हक के लिए ना लड़े, अपने आदर्शों के लिए ना लड़े, अपने लोगों के लिए ना लड़े। इसलिए मेरा जंग जारी है, जारी रहेगा। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मुझे साथ देगा। और एक बात यह भी है कि अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता, ध्यान से सुनिए, अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता तो एसीसी टीम आज विजय होकर लौटता। हाँ, अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सब कुछ हो जाता तो एसीसी टीम आज विजय होकर घर लौटता। अगर बैनकॉल से सब कुछ होता तो सोल्डोदम आज जेल में ना होता। अगर बैनकॉल से सब कुछ होता तो सोल्डोदम आज जेल में ना होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें इस करप्शन को हटाने के लिए सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारी को, कुर्सी में बैठा वाला को गिराना होगा। और सबसे पहले हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा सज्जन जो कि किरण रिजिजू है, उसको हम लोगों ने 3 बार सपोर्ट किया, चौथा से स्टेट से लेकर नरेंद्र मोदी के साथ में बैठने का अवसर दिया। हमें उनको पहले हराना होगा, उनको कुर्सी से लाना होगा, उसी के बाद हम लोग का स्टेट में जो भी अच्छा काम होगा हम लोग मिलकर साथ में करेगा, लेकिन पहले किरण रिजिजू को हराना होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आखिर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे शिक्षकजनों, जाके जर्रे जर्रे से कह दो, जाके जर्रे जर्रे से कह दो, जाके गली गली से कह दो, जिनसे मिले उनसे कह दो, अगली बार नो किरण सरकार, अगली बार नो किरण सरकार, अगली बार नो किरण सरकार।